तभी दिखाते हैं कि वहां पर एलियंस का एक जोड़ा भी होता है जिनके साथ उनका बच्चा भी होता है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बहुत बड़े ढेर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी एलियंस की पत्नी एलियन को एक सर्किट देती है। एलियन बोलता है कि ये हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी फ्यूल से बनी है। अब यहां पर इनके साथ जो इनका बच्चा होता है वो एक मशीन का गोल पार्ट ढूंढ लेता है और अपने डैड को देता है। उस पार्ट को देखकर उसके डैड खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये सब अंदर जाते हैं जहां पर इन्होंने एक लैब बना रखी होती है और वो वहां पर कुछ आविष्कार कर रहे होते हैं। और वो उस पार्ट से जो बच्चे को मिला होता है उससे कुछ लिक्विड उस मशीन में डालते हैं। वो लिक्विड उनकी बनाई हुई मशीन में पाइप्स के थ्रू सर्कुलेट होता है और उसमें से एक प्योर बूंद निकलकर एक छोटे से मशीन के चैम्बर में गिरती है और उसमें लाइट जल जाती है। अब इनमें से जो मेन एलियन होता है वो बोलता है मुझे 20 साल लग गए इसे बनाने में। उसकी वाइफ बोलती है क्या हम अब तैयार हैं। तभी वहां पर एमएनयू की टीम पहुंच जाती है। एलियन बोलता है कि तुम इस लिक्विड को छुपा कर रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। दरअसल उसने अपने एलियन शिप के लिए एक तरह का फ्यूल बना लिया होता है जिससे वो अपने घर वापस जा सकते हैं। अब जिसने लिक्विड बनाया होता है वो एलियन बाहर उन लोगों से बात करता है लेकिन बात झगड़े में बदल जाती है और वहीं उसे शूट कर देते हैं। पर वो मरने से पहले एक खास और बहुत बड़ा आविष्कार कर चुका होता है। अब उसकी वाइफ और उसका बच्चा वहां से बाहर निकल जाते हैं पर उस लिक्विड की बोतल को जिसका उसने आविष्कार किया होता है उसे वहीं छुपा देते हैं। तभी वेकस उनके घर में जाता है और वो चेकिंग करने लगता है और वो उनके घर की दीवारों को ठोक कर देखता है और उसे खोखली जगह मिलती है। और जब वो उस जगह के दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक लैब होती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और वो वहां पर और भी चीजें ढूंढने की कोशिश करता है। और इसी बीच उसके हाथ वो लिक्विड की बोतल लग जाती है जो हाल ही में एलियंस ने बनाई होती है। और वेकस जब उसे उठाता है तो वो कुछ घुमा देता है जिससे कुछ लिक्विड स्प्रे की तरह उसके मुंह के ऊपर गिर जाता है। उसे खांसी होने लगती है। इसके बाद जब वो ऑफिस जाता है तो उसकी एक उंगली का नाखून निकल जाता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और वॉशरूम में जाता है और वहां पर उसका एक और नाखून निकल जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है। अब जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी वाइफ ने उसकी प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी रखी होती है। पर वेकस की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब वेकस को होश आता है तो उसका एक हाथ पूरी तरह से बदल गया होता है। उसका हाथ एलियंस के हाथ की तरह बन जाता है। ये देखकर वेकस डर जाता है। अब वेकस को स्ट्रेचर पर बांधकर एक लैब में ले जाया जाता है। ये एमएनयू की लैब होती है जहां पर कई सारे मरे हुए एलियंस होते हैं जिन्हें एमएनयू ने मारा होता है और वो उन पर रिसर्च कर रही होती है। और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी भी हालत में एलियंस के हथियारों का इस्तेमाल करना चाहती है क्योंकि वो हथियार बहुत ताकतवर होते हैं। अब वेकस जिसका हाथ एलियंस की तरह हो गया है वो उसे एलियंस का एक हथियार चलवाते हैं और वो हथियार चल जाता है जिससे एमएनयू की टीम बहुत खुश होती है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये वेकस के शरीर के अंदर के सारे ऑर्गन्स निकालकर सरकार को देंगे और उस पर रिसर्च करेंगे। वेकस ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा होता है, कानों से सुन रहा होता है क्योंकि वो पूरे होश में होता है। और जैसे ही डॉक्टर उसका दिल निकालने के लिए उसके सीने को काटने वाला होता है वेकस डॉक्टर पर हमला करता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि एक आधा इंसान और आधा एलियन जीव हॉस्पिटल से भाग गया है। वेकस अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, कई जगह जाता है लेकिन हर जगह लोग उसे पहचान लेते हैं और वो परेशान होकर डिस्ट्रिक्ट 9 में पहुंच जाता है जहां पर कुछ घर सरकार ने बंद कर दिए होते हैं जिनमें पहले एलियंस रहते थे और वो वहां पर जाकर छुप जाता है। वहां से वो अपनी वाइफ को फोन करता है और उसे बताता है कि ये सब उसके साथ कैसे हुआ और क्यों हुआ उसे कुछ नहीं पता। तब उसकी वाइफ उसे कहती है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती और ना ही वो कभी उसे मिलना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि वेकस ने किसी एलियन के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं इसीलिए उसके साथ ही हो रहा है। और ये बात उसकी वाइफ को उसकी वाइफ के पिता ने बताई होती है जो कि वेकस का सीनियर भी होता है। वेकस की वाइफ बहुत रो रही होती है, वो वेकस से अलग नहीं होना चाहती पर वो दूसरों की बातों में आ जाती है। वेकस ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। अब वेकस का जो हाथ पूरी तरह से एलियन की तरह हो चुका है वो उसे कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करता है पर वो हिम्मत नहीं कर पाता लेकिन वो अपनी एक उंगली काट देता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी उसे वहां पर आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई देते हैं जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे होते हैं और वेकस उन्हें देखकर भागता है। और अब वो अपने लोगों से जो अब तक उसके साथ काम कर रहे थे उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, छुप रहा होता है। और वो छुपते छुपते घर में पहुंच जाता है जहां पर वो उस एलियन से मिलता है जिसके पति ने उस लिक्विड का आविष्कार किया था जिसकी वजह से आज वेकस की ये हालत है। वो वेकस को देखकर पहचान लेती है। तभी वेकस कहता है कि मुझे छुपा लो नहीं तो जो बाहर लोग हैं मुझे मार डालेंगे। वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है पर तब तक वेकस वहां पर बेहोश हो जाता है और वो उसे घर में जमीन के नीचे एक जगह होती है वहां छुपा देती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एलियन उसके सामने होती है। वो उसे बोलती है कि वो स्प्रे की बोतल कहां है जो तुमने ली थी क्योंकि उसे पता होता है कि वो स्प्रे की बोतल इसी के पास है। वो एलियन उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्या हुआ है और मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूं पर इसकी मेडिसिन हमारे स्पेसशिप में जो कि मदरशिप ऊपर आसमान में है वहां पर जाना होगा और जिस जगह पर अभी हम सब हैं ये एक तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जिससे हम ऊपर स्पेसशिप पर जा सकते हैं पर इसे चलाने के लिए वो स्प्रे की बोतल चाहिए। वेकस बोलता है कि वो स्प्रे की बोतल मेरे पास नहीं है, हम उसे दोबारा बना लेते हैं। वो एलियन बोलते हैं कि उसे बनाने में 20 साल लगे थे और उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। वेकस जानता है कि स्प्रे इस समय एमएनयू की बिल्डिंग में जमीन के अंदर 4 मंजिल तक नीचे छुपा कर रखी गई है और वहां जाने का मतलब मौत है, इसीलिए वेकस मना कर देता है। पर वो एलियन बोलते हैं कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और वेकस मान जाता है कि हम उस स्प्रे की बोतल को वहां से लेकर आएंगे लेकिन वहां पर बिना हथियारों के जाना मौत है और इनके पास कोई भी हथियार नहीं होते क्योंकि इनके सारे हथियार गवर्नमेंट ने सरकार ने जब्त कर लिए होते हैं। लेकिन अभी भी इनके पास एक ऑप्शन होता है, जो पास में इनकी बस्ती होती है वहां के लोगों के पास एलियंस के हथियार होते हैं और वेकस वहां पर जाता है और वो उनसे हथियार की डिमांड करता है। लेकिन वो वेकस को पहचान लेते हैं कि ये वही इंसान है जो आधा एलियन है। अब यहां पर जो उनका बॉस होता है वो वेकस का एलियन वाला हाथ काटने का ऑर्डर देता है लेकिन तभी उसके हाथ में एलियन वाला हथियार आ जाता है और वो उसे चला देता है और उनके कई लोगों को मार देता है। ये देखकर वहां पर सब हैरान रह जाते हैं और वेकस वहां से उनके हथियार लेकर निकल जाता है। पर जाने से पहले उन गुंडों का सरदार बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब वेकस और एलियन एमएनयू की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वहां पर धमाका करते हुए दोनों नीचे की तरफ बढ़ते हैं।
सारे लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पास जो हथियार होते हैं वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ताकतवर होते हैं और इसका सामना वो लोग नहीं कर सकते। अब वेकस एलियन को नीचे लैब में लेकर जाता है जहाँ खुद वेकस को रखा गया था और वो दोनों वहाँ पर स्प्रे ढूंढने लगते हैं जिसके लिए यहाँ तक आए हैं और वेकस को स्प्रे मिल जाता है और वो दोनों स्प्रे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर अब भी इन दोनों को पकड़ने के लिए MNU की पूरी फौज इनका पीछा कर रही होती है। इसके बाद वेकस और एलियन दोनों वापस उसी घर में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्होंने जमीन के नीचे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है। अब वेकस बोलता है कि जब हम ऊपर मदरशिप पे पहुंच जाएंगे तो मेरे हाथ ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। एलियन बोलता है 3 साल। इस बात से वेकस परेशान हो जाता है क्योंकि 3 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। एलियन बोलता है कि मैं तुम्हारा हाथ ठीक कर दूंगा पर पहले मुझे अपने लोगों को बचाना होगा। वेकस बोलता है कि हमारा सौदा था कि तुम तब घर जाओगे जब मेरा हाथ ठीक होगा। एलियन बोलता है कि मैं अपने लोगों को साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं बनने दूंगा क्योंकि जिस लैब से ये लोग ये स्प्रे का सिलेंडर लेकर आए होते हैं वहां पर इस एलियन ने अपने साथियों के कटे हुए शरीर को देखा होता है जिस पर MNU के लोग रिसर्च कर रहे होते हैं और इसके उस साथी की भी बॉडी वहां पर होती है जिसके साथ मिलकर इसने ये स्प्रे बनाया होता है। एलियन बोलता है कि मुझे जल्दी अपने घर वापस आना होगा। वेकस बोलता है कि और मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। एलियन बोलता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा। पर वेकस इस बात से परेशान हो जाता है और वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उससे एक जोरदार प्रहार एलियन पर करता है जिससे एलियन बेहोश हो जाता है। इसके बाद वेकस स्प्रे की बोतल उठाता है और नीचे बेसमेंट में चला जाता है जहां पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। वहां पर एलियन का बच्चा भी होता है और उसे भी इस पूरे प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज होती है। अब वहीं ऊपर MNU के लोग पहुंच जाते हैं और वो एलियन अब तक होश में आ चुका होता है और वो उसे तहखाने का दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं पर वो नहीं खुलता। वहीं नीचे वेकस स्प्रे की बोतल एलियन के बेटे को देता है और वो उसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में फिट कर देता है। अब एक चेयर पीछे आती है और वेकस उस चेयर पर बैठ जाता है और अब वेकस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करता है और वहां पूरी जमीन हिलने लगती है और कुछ ही पलों में उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जमीन को फाड़कर ऊपर हवा में आ जाता है जिसे एलियन पिछले 20 सालों से बना रहे थे। अब जब वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हवा में होता है तो MNU के लोग उस पर मिसाइल से हमला करते हैं और एक मिसाइल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लग जाती है जिससे उसका बैलेंस खराब हो जाता है और जमीन पर गिर जाती है। और इसके बाद वहां पर MNU के लोग आ जाते हैं और उनमें से एक ऑफिसर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर आता है और वो वेकस को पकड़ लेता है पर एलियन का बच्चा वहीं छुपा रहता है, वो उसे नहीं देख पाते। अब वेकस को वो लोग अपनी गाड़ी में बिठाते हैं पर तभी वहां पर पास की बस्ती के लोग आ जाते हैं जिनसे वेकस ने जबरदस्ती एलियंस के हथियार लिए थे और वो लोग वेकस को जबरदस्ती अपने साथ अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उनका बॉस बोलता है कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अब ये लोग वेकस का हाथ काटना चाहते हैं। उनका बॉस बोलता है कि मैं सिर्फ तेरा हाथ काट कर खाना चाहता हूं और तेरे जैसा बनना चाहता हूं ताकि मैं भी एलियंस के हथियार चला सकूं और सब पर राज कर सकूं। वहीं बाहर MNU के लोगों के बीच में और यहां के लोकल लोगों के बीच में आपस में गोलाबारी होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही वेकस को हासिल करना चाहते हैं। अब अंदर वो लोग वेकस का हाथ काटने वाले होते हैं कि तभी वहीं पर एक एलियन का रोबोट भी होता है जो इन लोगों ने एलियन से जबरदस्ती छीना होता है और इस रोबोट को एलियन का बच्चा जो कि अभी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में होता है जिससे ये ऊपर मदरशिप तक जाने की कोशिश कर रहे होते हैं वहां से एक्टिवेट कर देता है और जो लोग वेकस का हाथ काटने की कोशिश कर रहे होते हैं रोबोट उन सब पर एक ही बार में निशाना लगाकर उन सबको मार देता है। और इसके साथ साथ एलियन का बच्चा नीचे से ही अपने बड़े मदरशिप को भी स्टार्ट कर देता है और वो घूमना शुरू हो जाता है। ये देखकर सारे लोग और सारे एलियंस हैरान हो जाते हैं। अब MNU के पास जो एलियन होता है वो उसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारा प्लान क्या है, पर वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और MNU के लोग उसे मारने लगते हैं। तभी अंदर जहां वेकस होता है वहां रोबोट का एक कवर खुलता है और वेकस उसके अंदर बैठ जाता है और वो घर का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। MNU के लोग उस पर गोलियां चलाते हैं पर रोबोट पर गोलियों का ज्यादा असर नहीं होता। वेकस रोबोट के अंदर से बोलता है कि मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो, और वो सब गोलियां चलाना बंद कर देते हैं और वेकस वहां से जाने लगता है। MNU की आर्मी का जो ऑफिसर होता है वो एयरफोर्स को ऑर्डर देता है कि इसका पीछा करो और मौका मिलते इसे खत्म कर दो। अब यहां पर MNU के पास जो एलियन होता है वो इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा होता इसीलिए ये उसे मारने वाले होते हैं कि तभी वेकस वापस आ जाता है और वो इन सबको मारकर एलियंस को बचा लेता है और उसे बचाता हुआ वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक ले जाने की कोशिश करता है। पर वहां तक पहुंचने से पहले ही जिस रोबोट के अंदर वेकस होता है उस पर कई गोलियां चलती है और वो अब पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। वेकस एलियन को बोलता है कि तुम जाओ, मैं यही लोगों को रोकता हूं। एलियन बोलता है नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वेकस बोलता है कि अपने बच्चे के पास जाओ और अपने घर लौट जाओ, हमने बहुत मेहनत की है, ये सब बेकार नहीं जानी चाहिए। एलियन बोलता है कि मैं 3 साल में वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं, और वो वहां से चला जाता है और बड़ी मुश्किल से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है और उसे उड़ाकर अपने मदरशिप तक पहुंच जाता है। वहीं नीचे वेकस सब लोगों को जो एलियंस को मारना चाहते हैं उन्हें रोककर रखता है, उनसे लड़ता है और लगभग सबको मार देता है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है और गिर जाता है और वो रोबोट से बाहर निकल जाता है क्योंकि रोबोट अब पूरी तरह से खराब हो चुका है। और यहां पर जो आखिरी ऑफिसर होता है वो गन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और वो देखता है कि वेकस अब आधा इंसान और आधा एलियन बन चुका है और वो जैसे वेकस को गोली मारने वाला होता है वहां पर दूसरे एलियंस आ जाते हैं और वो उस MNU के ऑफिसर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वेकस ऊपर देखता है कि एलियंस और उसका बेटा अपने मदरशिप को लेकर वहां से निकल, और अब वो वेकस को और अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। और इसके बाद वेकस को कभी किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वेकस मर चुका है और कोई कहता है कि वो MNU के कब्जे में है और ऐसी कई सारी अफवाहें होती हैं। पर एक दिन वेकस के घर के बाहर हाथ से बनाया हुआ एक मेटल का फूल किसी ने रख दिया होता है जो उसकी वाइफ को मिलता है और उसकी वाइफ को लगता है कि ये वेकस ने बनाया है क्योंकि वो ऐसी हाथ से बनाई हुई बहुत सारी चीजें उसे गिफ्ट करता था। अब उसकी वाइफ को पता होता है कि वेकस पर सारे इल्जाम झूठे थे और वो वेकस को बहुत मिस करती है। और अंत में दिखाते हैं कि वेकस आज भी जिंदा है और वो पूरी तरह से एक एलियन बन चुका है और सरकार MNU पर मुकदमा चलाती है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीकों से जेनेटिक रिसर्च कर रही होती है और धरती पर बचे हुए 25 लाख एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 9 से वो नई जगह डिस्ट्रिक्ट 10 भेज देती है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म।